नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। आज हम लोग आसनसोल कोर्ट में हैं और हमारे साथ इस कोर्ट के एक वकील लल्लन प्रसाद सिंह जो रानीगंज से आते हैं और 5-6 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि तो आप जान रहे हैं कि एक मुद्दा बहुत ही हाईलाइटेड है, पुलिस वर्सेस एडवोकेट। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कुछ ही दिनों के बाद चीफ जस्टिस भी इंडिया के ज्वाइन करने वाले हैं। आइए उनसे जानते हैं, इन मुद्दों पे बात करते हैं और जानते हैं कि आसनसोल कोर्ट में अभी क्या क्या मसाइल है और उसके हल के लिए यहाँ के जो बार काउंसिल है वो क्या पहल कर रही है। सर, हमारे चैनल में आपका वेलकम है। कैसा लग रहा है यहाँ काम? एक्चुअली ये जो मैंने बताया जो पेशा है वो चुनौती वाला पेशा है। इसलिए हम पहले तो शिक्षा के ऐसे क्षेत्र में जुड़े हुए थे जैसे, लेकिन ये पेशा चुनौती का पेशा है और हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा अच्छा से काम करें तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। क्योंकि कई समस्याएं ऐसे समाज में होती है, लोगों के बीच होती है, ऐसी ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है जिसके समाधान करने के बाद एक आत्मतुष्टि जैसा महसूस होता है कि उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिला। कई लोग तो ऐसे समस्या में रहते हैं कि जिनका ज़िंदगी में मतलब लगता है कि अगर केस हो गया तो बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं, मतलब एकदम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वैसा परिस्थिति में वकालत जो है, जो करने वाले अच्छे लोग हैं जिस तरह से हैं, तो उसके साथ अगर माने सहयोग अगर होता है सही से उसकी ज़िंदगी को एक नया, हाँ, एक नया रास्ता मिलता है। आपकी समझ में आता है, आपने कब डिसाइड किया आपको एडवोकेट बनना है? ये एक्चुअली थोड़ा देर हुआ है हमारा, हम तो पहले से वकालत करके रखे थे लेकिन कुछ कारण से थोड़ा देर हुआ है, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा कि इस पेशा में हम आने का सोचे। कितना चैलेंजिंग है ये पेशा? हमारे समझ से देखिए अन्य पेशाओं से बहुत ज़्यादा ये चैलेंज रखता है। अच्छा, क्योंकि एक कई लोगों की जिंदगियों का भी कभी कभी सवाल होता है। कई लोग इस प्रकार से जुड़े रहते हैं जैसे अगर उनको फॉल्सली भी इम्प्लिकेट किया जाता है केस में। कई बार ऐसा हुआ है कि बेचारा कुछ भी नहीं है फिर भी हो गया है, तो समस्याएं उसके साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़िंदगी बहुत परेशान हो जाता है। कई बार अभी तो आजकल जो नए नए जो केस एक्ट चले हैं, पॉक्सो वगैरह है, 498 है, कई बार होता है कि एकदम पूरी तरह से फॉल्सली भी इम्प्लिकेट किया जाता है उनको। तो वैसे में क्या है, उसके साथ अगर हम लोग सही अगर उसको समाधान दिला पाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फ्यूचर का कहाँ देखते हैं? देखिए, आसनसोल कोर्ट फुल फ्लेज्ड बढ़िया है, कोई दिक्कत कहीं नहीं है। और यहाँ की बार जो काउंसिल है बहुत एक्टिव, बहुत अच्छा काम कर रही है। बार एसोसिएशन जो है बहुत ही अच्छा काम करता है और सांगठनिक रूप में मजबूती से रहता है, वकीलों के साथ खड़ा भी रहते हैं। और जिस प्रकार से अभी देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम लोग लाए यहाँ पर, हमारे समस्या की मतलब जिस प्रकार से प्रयास किए यहाँ पर एसोसिएशन वाले, बहुत अच्छा यहाँ का ये रहता है, माहौल जो है सकारात्मक रहता है। एक क्वेश्चन हो रहे थे कि एडवोकेट का जो प्रोफेशन है उसे बहुत से लोग प्रैक्टिस करते हैं लेकिन कुछ ही 4 लोग फेमस हो पाते हैं, उसका क्या कहते हैं? देखिए, ये विषय तो थोड़ा सा होता है लेकिन कुछ तो मेहनत की भी बात होती है और कुछ ऐसा बोलना मुश्किल हो पाएगा। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि ये जो पेशा है ना, बहुत मेहनत का चीज़ है। तो लगन के साथ, मेहनत के साथ यदि कोई कुछ कर पाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनका नाम बढ़ता है। माने टैलेंट के साथ में मेहनत जब रहता है तो निश्चित तौर पर उनका नाम बढ़ता है। ऑनेस्टी भी हो, हैं, ऑनेस्टी भी हो, हाँ बिल्कुल, ईमानदारी के साथ, जब कर्तव्य के साथ यदि अपना ड्यूटी के साथ यदि ईमानदार रहते हैं तो निश्चित तौर पर उनका कामयाब होते हैं। इसमें वकील और पुलिस के बीच में जो तकरार हुई है उसका सर का राज करते हैं? देखिए, एक्चुअली अभी जो माहौल बना हुआ है, हम समझते हैं इसमें कभी कभी क्या होता है, ये मीडिया या फिर कई प्रकार से जो मैसेज जाता है समाज में, तो कई बार ऐसा होता है कि भ्रांति रहता है उसमें। माने एकदम एग्जैक्ट फिगर जो है हम लोगों तक नहीं आ पाता है क्योंकि हम लोग दूर में हैं। हालांकि अब स्वाभाविक तौर पर अगर हम वकालत में हैं तो निश्चित तौर पर हम पुलिस का तो पूरी तरह से ऐसा नहीं कहेंगे कि पुलिस का फेवर करेंगे या ऐसा वकील का, वो अलग विषय है। लेकिन कहीं कहीं समाज तक जो मैसेज पहुंचता है अभी इस तरह का, कभी कभी ऐसा होता है कि वो टर्मिनेट करके पहुंचता है, वो तरह घुमा करके पहुंचता है। तो अभी हम पूरी तरह से क्लियर नहीं है सही से अगर देखा जाए कि वहाँ पर क्या, लेकिन जिस प्रकार से घटना का इनिशिएशन हुआ उसमें से लगा कि पुलिस भी कुछ ना कुछ भूल वहाँ पर की थी। हालांकि उसके बाद माने वकील लोगों को किस प्रकार से क्यों माने ज़्यादा शक्ति बरतना पड़ा या उस तरह से करना पड़ा, वो वहाँ के सिचुएशन वाले ही बोल पाएंगे सही से। हम यहाँ से इतना दूर से ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे और हम समझते हैं कि जब वकील हैं तो हम तो वकील का ही समर्थन करेंगे। इसमें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? लेकिन इसमें देखिए, हम जो स्टार्ट का वही मैटर हम बताना चाह रहे हैं, जो मीडिया के द्वारा जो हमको खबर मिली है, जितना हम देखे हैं उससे लगा कि कहीं ना कहीं पुलिस
थोड़ा सा जो कानून का पालन करना चाहिए था शुरुआत में नहीं किया, जैसे वहाँ पर एक पार्किंग को लेकर के कुछ प्रॉब्लम थी, तो वकील को जस्ट उसमें पार्किंग के चलते यदि समस्या हुई थी तो वहाँ का जो अथॉरिटी होता है कोर्ट का, तो प्रीमिसेज का एक अथॉरिटी होता है, कोई ना कोई SDM कोर्ट होता है, जो एक जज कोर्ट होता है, कोई ना कोई तो प्रीमिसेज, तो आप एक जाकर के वहाँ पर बोल सकते हैं कि देखिए अमुक एडवोकेट या बार काउंसिल में भी आप उसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं कि देखिए आपका जो एडवोकेट है हम लोगों की बात नहीं मान रहा है जो प्रोहिबिटेड एरिया में जाकर के पार्किंग कर रहा है, लेकिन वो उस तरह का प्रोसेस नहीं कर करके सीधा उसके पास बंदूक है और उसके पास जो भी है तो उसको लेकर के वो सीधा खड़ा हो गया और खड़ा होकर के उसको लेकर के लॉकअप में लेके चला गया। कई बार तो फुटेज जो वहाँ दिखा रहा है उसमें लॉकअप में क्या हुआ वो पता नहीं, अब जब बाहर निकल रहा है तो वो बोल रहा है कि उसको मार पीटा गया है। इवन यहाँ तक कि वहाँ के जो एडवोकेट हैं वो बोल रहे हैं कि उसमें ADJ खुद ही जा करके इस बात को मैंने करने का प्रयास किया कि लॉकअप में क्यों लाया गया, लेकिन पुलिस वहाँ पर नहीं सुनी। बाद में पुलिस जब देखा कि जब कोई बात नहीं सुना जा, तो मैंने ये वकील देखे कि जब कोई बात नहीं सुना जा रहा तो फिर लोग भी अपना एक हिंसा पर उतारे, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि उनका हिंसा का समर्थन हम कर रहे हैं या हिंसा हुई है तो वो सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेपिंग मिस्टेक जो है सबों के द्वारा कुछ ना कुछ हुआ। देखिए इस कार्यकाल में आप लोग सभी देखे होंगे कि बहुत सारे डिसीजन बहुत तेजी से करने का प्रयास किया गया और बहुत सारे जो बहुत ऐसे पेंडिंग मैंने ये था जिसको कि इन्होंने उसको आगे बढ़ा करके जितना जल्दी से जल्दी मैंने समाधान करने का प्रयास किया, जिसमें से अभी एक लेटेस्ट मुद्दा भी है जो बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय मुद्दा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है अयोध्या मामला का, उसको भी इन्होंने मैंने एक समाधान के रूप में लेकर के चले गए हैं और हमको लगता है कि अपने रिटायरमेंट के पहले वो समाधान करके भी जाएंगे, तो निश्चित तौर पर इनका जो कार्यकाल है एक यादगार कार्यकाल। केंद्र सरकार जो 10% आरक्षण दिया उस पर आपका क्या राय है सर? देखिए केंद्र सरकार अगर दिया है और हमारे समझ से तो आरक्षण के ही हम विरोधी हैं, एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम आरक्षण के विरोधी हैं, लेकिन जिस प्रकार से आरक्षण का एक माहौल बना हुआ है और आरक्षण को माने जो सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना संभव नहीं हो पा रहा है, वैसे में जो बिल्कुल आर्थिक रूप में गरीब लोग हैं माने जो ब्राह्मण हैं क्षत्रिय हैं वैश्य हैं उन लोगों के पास भी कुछ विकल्प नहीं बचता है, तो निश्चित तौर पर अगर उनको आगे बढ़ाए जाने के लिए अगर इस प्रकार का सरकार अगर कदम उठाती है तो हम समझते हैं इसमें एक बहुत ही सराहनीय कदम है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में क्या फर्क है? नहीं है ऐसा कोई फर्क नहीं है, उसी को बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो अपने कोर्ट होता है उसी को हम लोग सेशन कोर्ट कहते हैं। समाज में जो तबका है गरीब है और अमीर है, हम लोग देखते हैं कि जो गरीब तबका है उसके पास लीगल अवेयरनेस नहीं होने से वो उनको इंसाफ नहीं मिल पाता, और इधर लीगल अवेयरनेस क्या किया जाए कि लोगों में और लीगल अवेयरनेस आए? इस पर थोड़ा सा हम व्यापक अध्ययन मैंने जिसमें करने की बात हम जैसे सोचे हैं और कई बार हम देखे भी हैं कि समाज में क्या है ना कि कुछ लोग गरीबी में तो जी रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन साथ में थोड़ा सा एक और मैंने ये है कि कहीं ना कहीं वो शिक्षा के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से पिछड़े हुए रहते हैं, तो गरीबी के साथ साथ जो अशिक्षा है ना इस कारण से उनका अवेयरनेस में कमी रहती है निश्चित तौर पर। तो हम बोलेंगे कि बहुत सारे NGO हैं बहुत सारे सरकारी जो तंत्र हैं कहीं कहीं लोगों को सबसे पहले गरीबी मिटाए ना मिटे लेकिन शिक्षा को अपने आप में जरूर ग्रहण करें ताकि उसके अंदर जो अवेयरनेस है खुद को आएगा और समाज में सुधार का एक दिशा मिलेगा। आपको जो डिपार्टमेंट है वो लीगल अवेयरनेस के लिए क्या करती है? देखिए मेरा यहाँ जो है यहाँ तो बहुत ज़्यादा जैसे अगर गरीब लोग होते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा ही इस प्रकार की सुविधा, डिपार्टमेंट तो हम लोग का नहीं है, ये तो मतलब गवर्नमेंट का एक जो अगर है देखा जाए तो अगर कोई जिसको नहीं अगर लीगल कोई सुविधा मिलती है तो गवर्नमेंट की तरफ से एक ये बना हुआ रहता है लीगल एड का एक बना हुआ है वो सब लीगल एड करते हैं। अच्छा हम लोग देख रहे हैं कि अभी कुछ लड़कियाँ जो कॉलेज जाती हैं उनको रास्ते में अगर कोई लड़का छेड़ रहा है वो इस बात को घर में भी नहीं बोल पाती कि अगर बोलेंगे तो उनकी पढ़ाई को ब्रेक कर दिया जाएगा, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? वो लोग कहाँ से कोर्ट का सहारा लेकर अपना पढ़ाई को जारी रखते हैं? इतना सामाजिक रूप में इस प्रकार का ऐसा हो गया ना कि जिसमें लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे मतलब अपना समाज में बदनामी हो इसके चलते नहीं करना है, लेकिन ऐसे हम लोग का जो मैंने कानूनी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि सभी तरह के लोगों को इस प्रकार की सुरक्षा मिल रहा है। कोर्ट का नाम आते ही हम लोग यही मानता है डेट पर डेट, और अभी हम देख रहे हैं कि जब से सरकार आई है कुछ स्पीड पकड़ी है, क्या लगता है आने वाले दिनों में अब जो केस पेंडिंग पड़े हैं उनका निपटारा जल्द से जल्द हो पाएगा? नहीं अभी ऐसा नहीं बोला जा सकता, क्योंकि एक्चुअली क्या है जुडिशरी में बहुत सारा वैकेंसीज है जो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मुश्किल से।
मान जुडिशरी में जो वैकेंसीज है वो जब भरेगा सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द फुलफिलमेंट करेगा, वैकेंसी जो फुलफिलमेंट होगा उसके बाद ही संभव है।